यार रामेश भाई, क्या हर वक्त जूते जूते दिखाते रहते हैं, क्या मसला है? ये इतने जो जूते रखे हुए हैं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक जूते 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 जूते, तंग आ गए हम। ये बोल रहे थे ना, बहुत सारे लोगों में मसला था। ठीक है, कोई मसला नहीं, आई हियर यू। तो आज हम हो भाई घड़ियां चेक कराएंगे आपको। उफ, What's up everybody? Assalamualaikum. Hope you're doing okay. यार आज की वीडियो हमारी सारी वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, और आज की वीडियो के अंदर हम एक्चुअली बड़ी डिफरेंट प्राइस रेंज की प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं। नाउ देयर इज अ रीजन फॉर दिस। नंबर वन, बहुत सारे लोग हमारे चैनल के ऊपर ठपाठप स्नीकर्स देखकर काफ़ी ज़्यादा बोर हो गए थे, और उनका ख्याल ये था कि भाई रामेश भाई, आप सिर्फ स्नीकर चैनल ही बनाएंगे क्या? नाउ नॉर्मली मेरा जवाब होता है यस, मैं सिर्फ स्नीकर चैनल ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट बीच बीच में इन द मिक्स छोटी मोटी चीज़ें फेंकने में थोड़ा इंटरेस्ट जो है ना वो बढ़ जाता है। दूसरी चीज़ ये कि बड़े टाइम से बड़े सारे लोग बोल रहे थे कि वॉचेस के ऊपर आप रिव्यूज क्यों नहीं बनाते। नाउ इफ यू हैव बीन वॉचिंग माई वीडियोज या यू बीन फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, तो आपको पता होगा कि मेरी जो वॉचेस हैं, जो मैं बहुत ज्यादा पहनता हूँ, वो नॉर्मली मेरे स्नीकर्स के साथ मैच करती हैं। देर प्रीटी फंकी, देर प्रीटी चंकी। बट यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शलवार कमीज बहुत पहनते हैं, जो ड्रेस शर्ट्स एंड ड्रेस पैंट्स बहुत पहनते हैं, जो सूट्स पहनते हैं, जो यू नो आपकी सीरियस ओकेजन्स में घड़ियां पहनना चाहते हैं, आपकी शादी ब्याह हैं, आपकी मीटिंग्स हैं। तो आई वाज लाइक यार, लेट्स कोलैबोरेट विद अ कंपनी दैट काइंड ऑफ डील्स इन दिस काइंड ऑफ वॉचेस। एंड इस वजह से आज की हमारी वीडियो के अंदर जो हमारे पार्टनर हैं वो है निजाम वॉच हाउस। नाउ दिस इज अ प्रिटी ओल्ड कंपनी, 1947 से इस पे लिखा हुआ है कि 1947 से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। आई थिंक उससे भी पुराने हैं, बट पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली 1947 से। एंड देव गॉट वंडरफुल वंडरफुल वॉचेज, देव गॉट अ वंडरफुल कलेक्शन। आज हम निजाम वॉच हाउस से मिली हुई जिन घड़ियों के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मेरा बहुत अरसे से दिल आया हुआ है, बहुत नजर है, और बहुत जल्द मैं उनकी घड़ी लेने भी वाला हूँ। और वो है स्विस मिलिट्री। अमेरिकन्स मिलिट्री बोलते हैं, ब्रिटिश मिलिट्री बोलते हैं, और पाकिस्तानी मिलिट्री बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं अंग्रेजों की तरह बोलूंगा मिलिट्री या मिलिट्री, तो आई एम प्रीटी श्योर नीचे आके लोग बोलेंगे या बर्गर, तो हम मिलिट्री बोलेंगे, ठीक है। स्विस मिलिट्री की घड़ियां आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं, लेट्स गो। अच्छा जी, तो मेरी टेबल पर इस वक्त आपको चार नहायत ही खूबसूरत किस्म की घड़ियां नजर आ रही होंगी, और पांचवी जो घड़ी है वो इस जबरदस्त किस्म के स्विस मिलिट्री हैनोवा के डब्बे के अंदर है। एंड आप लोगों को पता है कि पैकेजिंग के मामले में मैं किस तरीके का हूँ, आई एब्सोल्युटली लव ग्रेट पैकेजिंग, बट इसको हम एंड में रखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अपनी इस स्विस मिलिट्री हैनोवा क्रोनोग्राफ से। अब भाई, सबसे पहली चीज़ जो इन वॉचेस के बारे में, खासतौर पे इस वॉच के बारे में, वो ये है कि ये जो बाकी तीन चार वॉचेस हैं, इनकी जो टोन है वो थोड़ी सी सीरियस है मेरे लिए, इनकी जो ओवरऑल वाइब है वो थोड़ी सी सीरियस है। क्रोनोग्राफ ऑटोमेटिकली आपको एक वाइब देती है कि आप थोड़े से एडवेंचरस हैं, आउट गोइंग हैं, इट्स अ लिटिल स्पोर्टी, एंड दैट्स प्रॉब्ली वाई मैंने सबसे पहले यही पिक करी है, बिकॉज ये इन सारी वॉचेस के अंदर पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई है। आई लव द फैक्ट कि इसके अंदर का जो डायल है वो डार्क जबरदस्त किस्म का ब्लू है, देन इट्स गॉट लाइक थ्री छोटे डायल्स। इसके जो स्ट्रैप्स हैं वो सिल्वर कलर की चेन के ऊपर बेस्ड हैं। द मशीन इज प्रीटी हैवी, यू कैन एक्चुअली फील के क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जितने भी यहाँ पे वॉच के एंथुजियस्ट हैं वो बोल रहे होंगे, रामेश भाई आप किन मैट्रिक्स के ऊपर घड़ी को गेज कर रहे हैं, भारी है। भाई हम ऐसे ही हैं, ठीक है। प्राइस, बिकॉज इट्स स्विस मिलिट्री, तो प्राइस इसकी 57,500 रुपीज है। एंड इन केस प्राइस सुनकर आप लोग ये समझ रहे हैं कि ये पांच खूबसूरत घड़ियां जिनकी कलेक्टिव प्राइस प्रॉब्ली 1.5-2 लाख रुपए मैंने खरीदी हैं, ऐसी बात नहीं है। आई हैव गॉटन दीज फॉर रिव्यूज ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। इसके बाद भैया हम आते हैं एक और घड़ी के ऊपर, विच इज प्रीटी सिमिलर इफ यू टॉक अबाउट द चेन डिजाइन, द स्ट्रैप डिजाइन। इनफैक्ट इसका जो डायल है वो भी काफी सिमिलर ही है। The only thing missing from this one is that this does not have a chronograph. I also think that this is very, very sober as compared to the chronograph. I personally know a lot of people जो इस तरीके की घड़ियों में इंटरेस्टेड होते हैं, जिनको इस तरीके की मिनिमल घड़ियाँ बहुत पसंद हैं। एंड इफ़ यू आर वन ऑफ दोज पीपल, आई थिंक दिस इज अ वॉच फॉर यू। इसकी प्राइस भैया है 41,800, a little steep for a lot of people, but it's also Swiss military, तो ऑब्वियसली ब्रांड का प्राइस टैग तो हैवी होगा बॉय। अब हम आते हैं इसमें से सबसे फैंसी लुकिंग घड़ी के ऊपर। दिस वॉच इज गोल्डन, दिस वॉच इज सिल्वर, दिस इज द काइंड ऑफ वॉच दैट माय अब्बा माय पापा वुड लव टू वेयर। आई वुड से कि हमारे चैनल के ऊपर जो यंग हजरात हैं उनको इस तरीके की वॉच शायद ना पसंद आए,
Also, I feel like golden watches are very hard to pull off. हर कोई वो घड़ी pull off नहीं कर सकता जिसके अंदर golden color हो या hints of gold हो. And I'm not one of those people. I don't think कि मैं golden घड़ी किसी भी तरीके से पहन सकता हूँ. I mean, it's a beautiful watch, but I don't think it suits my personality. तो भाई, अगर आप golden watches या golden hints वाली watches में interested हैं, try this out. This one is for 38,300. अच्छा भाई, तो ये तीन खूबसूरत घड़ियाँ तो हमने कर ली हैं. अब हम जरा आ जाते हैं इसके ऊपर. This box, this beautiful, beautiful box is something. खैर मैं खोल के देख चुका हूँ. But यार आप इसकी build quality देख रहे हैं. इसका जो material है वो बड़ा smooth, बड़ी matte एक finish वाला है. And I absolutely love matte finish वाली चीज़ें. Glossy जो चीज़ें होती हैं वो मतलब थोड़ा दिल वो होता है कि ब्रो एक मिनट ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है. बट दिस इज अमेजिंग. आप डब्बे को खोलते हैं तो डब्बे के अंदर ऊपर यहाँ पे स्विस मिलिट्री हेनोवा का जो है वो लोगो लगा हुआ है. एंड देन यू हैव दिस ब्यूटिफुल वॉच विद अ ब्यूटिफुल पेन. एंड दिस इज एन अमेजिंग गिफ्ट. आई फील लाइक अगर किसी को भी गिफ्ट देना हो आपको, अपने अब्बू को या भाई को या हस्बैंड को या बॉस को या कोवर्कर को, आई थिंक दिस इज द काइंड ऑफ गिफ्ट जो आपकी यू नो टोर बनाता है कि ओह मैन, उस बंदे ने परफ्यूम दिया, उस बंदे ने टी शर्ट दी, एंड देन रामेश बाबू ने जो है ना वो मिलिट्री वॉच स्विस मिलिट्री की हैनोवा दी जिसके अंदर पेन भी था. तो भाई अगर आप इंटरेस्टेड हैं किसी भी ऐसी घड़ी के अंदर जो अभी मैंने आपको दिखाई है, या यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट मोर स्विस मिलिट्री वॉचेज, प्लीज गो चेक आउट निजाम वॉच हाउस की वेबसाइट. नीचे मैंने वेबसाइट भी दे दी है, इनका फेसबुक का पेज का लिंक भी दे दिया है. देव गॉट अमेजिंग अमेजिंग कलेक्शन एंड एट रियली रियली गुड प्राइसेस. और सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि इन घड़ियों की 3 साल की वारंटी ये लोग देते हैं. उसके अलावा बहुत सारी वॉचेज ऐसी होती हैं जो ऑनलाइन नहीं आती. दीज गाइज आर सेलिंग दीज ऑनलाइन एज वेल. इंटरनेशनली अक्लेम्ड हैं, क्रेडिबिलिटी बड़ी सॉलिड है. तो आपको किसी भी पॉइंट पे खदशा नहीं होगा कि यार पैसों का क्या होगा, घड़ी का क्या होगा. इट्स अ ग्रेट ग्रेट कंपनी दैट सेल्स अमेजिंग वॉचेस. गो चेक देम आउट. और अगर आप नीचे दिए हुआ कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको भाई की वजह से थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाएगा. तो आई होप यू गाइज लाइक दिस एपिसोड. आई होप दिस वॉज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द स्टफ दैट वी नॉर्मली डू. अगले एपिसोड तक के लिए इजाजत दीजिए. दिस इज रामेश्वर साइनिंग आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.